वाह मैन, व्हाट्स गोइंग ऑन ब्रो? अरे तेरे को पता नहीं क्या, पद्मश्री द ग्रेट कथक डांसर शोभ नारायण का शो हो रहा है, टिकट बुक करूं? अबे तुम लोग क्या कर रहे हो बे? अबे आज भी तुम लोग कथक डांस सुनते हो? कथक चेंज योर डांस मैन, कथक वही कि पगे गुंडरू पांडी मीरा नाची। अबे मीरा को चेंज करो, डांस को चेंज करो। डांस का मतलब जानता क्या होता है? डांस का मतलब होता है फ्लेमेंगो। डांस का मतलब जानता क्या होता है? डांस का मतलब होता है सालसा। डांस का मतलब जानता क्या होता है? माइकल जैक्सन। ओ यू या चेंज योर सेल्फ, चेंज योर डांस, चेंज योर कल्चर, हिप हॉप रैप। अरे बस कर, अरे बस कर भाई, बस कर, इतना अंग्रेज मत बन यार, बस कर, बस कर। हरे कृष्णा, हम आए हैं फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेके। क्या नाचो रे? मतलब डांस नहीं करना तो सुन तो सकते हो यार, पेशेंस के साथ। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक है, इंडिया में एक ऐसा डिजीज फैल रहा है जिसने कोविड कैंसर से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। और ये ऐसा नहीं है कि आज या कल से ही बीमारी फैल रही है, बहुत समय से इस बीमारी ने इंडियंस को अपना शिकार बनाया हुआ है। इस बीमारी का नाम है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इतने बड़े पैमाने पे देश को नुकसान पहुंचाता है हर दिन ये बीमारी। हो सकता है आप में से किसी को हो, अगर जानना चाहते हैं है या नहीं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, ये सुनिए, चैनल को ये लिखा हुआ है चैनल के नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब, इस पे प्यार से ऐसे हाथ मार दीजिए, ये अपना रंग बदल लेता है। गिरगिट नहीं है ये, इसका फीचर है, ये सब्सक्राइब्ड हो जाता है, तो कर लीजिए। मैं यही खड़ा हूँ, राहुल गांधी जी ये कर नहीं रहे, थोड़ा इनसे बोलिए ना कि हाथ मारे। तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। तीन केस स्टडीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ। पहला है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। अब कुछ लोग बोलेंगे, देखा प्राइम मिनिस्टर को ऑनरेबल बोल रहा है, इज्जत दे रहा है। मैंने कहा था ये मोदी भक्त है। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि शिक्षार्थकम वाले आईटी सेल वाले हैं। मतलब मैं खुद सोचता हूँ कि मैं बीजेपी का आईटी सेल संभाल रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं है। और जिन जेम्स बॉन्ड लोगों ने हमें एक्सपोज किया है, बस उनसे मैं इतना ही बोलूंगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ओके सो जोक सपाट एक तरफ, 2018 में वर्ल्ड फ्यूल डे के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक स्पीच में एक चाय वाले का जिक्र किया था। नहीं, अपना जिक्र नहीं किया था, ये दूसरा चाय वाला था। तो उन्होंने बताया कि एक चाय वाला है किसी शहर में, वो क्या करता है कि वो जो नाली का जो कीचड़ होता है, सीवेज होता है, उसकी गैस से CNG गैस बना के अपने घर का चूल्हा जलाता है और उस चूल्हे से वो चाय बना के बेचता है लोगों को। लोगों ने फिर YouTube पे, ट्विटर पे शुरू कर दिया है ट्वीट करने का, ट्रोल करने का नंगा नाच। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, लीडर्स, एक्टर्स और कुछ जिनको कोई भी नहीं जानता, वो भी मोदी जी को ट्रोल करने लगे कि अब चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाओगे तो ऐसे ही बेखानी बातें करेगा ना। मीडिया ने सोचा कि मोदी जी की बात में कुछ सच्चाई है, जरा सर्च करते। तो पता किया तो ऐसा एक व्यक्ति मिल गया जो इस तरीके से कर रहा था। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि SR सिरखे नाम से एक मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी पेटेंट कराई हुई थी, मतलब इंडिया की प्रॉपर थी। पर दुख की बात ये थी कि जस्ट बिकॉज किसी अमेरिकन ने, जर्मन ने, चाइना या जापान के किसी व्यक्ति ने इसको नाम नहीं दिया या बाहर से इम्पोर्ट होकर टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं आई है, इसलिए कोई इसको सीरियसली ले नहीं रहा, कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। और जब मोदी जी इसके ऊपर बात भी की तो ज़्यादातर लोग मजाक ही उड़ा रहे थे। तो यहां पर दिखता है इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कि घर की मुर्गी, समझ रहे हो। आपको दूसरा केस स्टडी बताता हूं। दूसरा केस स्टडी है कि हम आजाद हो गए हैं बट स्टिल हम आजाद नहीं हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हम लोग बहुत बोलते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री, वी डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम एनीवन। ऐसा बोलते तो हैं बट सच्चाई यह है कि मानसिकता तौर पे आज भी हम सोचते हैं कि यार कोई गोरा व्यक्ति तारीफ कर देता तो मजा आ जाता। ऐसा होता है। अब नहीं मानोगे तो मैं बता देता हूँ। आप सब गूगल पे जाइए, यूट्यूब पर, और वहां पे लिखिए इंडियन रिएक्शन वीडियोज। जब लिखेंगे तो आप देखोगे मोस्टली रिएक्शन वीडियोज में इंडियन लोग नहीं होते जो इंडियन वीडियो पर रिएक्ट करते हैं, ये ज्यादातर किसी दूसरे कंट्री में बाहर देश में बैठा हुआ व्यक्ति होता है जो इंडियन वीडियोज पे रिएक्शन वीडियोज देता रहता है। और रिएक्शन के नाम पे कुछ नहीं होता, बस ऐसे टेबल पे बैठ जाता है, ओके वेरी गुड, व्हाट इज दिस, ऐसे बोलता रहता है, चार पांच अच्छे अच्छे इंग्लिश के प्यारे प्यारे सब बोल देता है। हमें लगता है कि हमें लव लेटर भेज दिया किसी ने और हम खुश हो जाते हैं, पर एक्चुअली वो कुछ नहीं कर रहा, वो आपके नाम से पैसे कमा रहा है।
और आपको मिल रही है झूठी खुशी कि यार एक विदेशी ने मेरी वीडियो को देखा यार। कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में ये चीज है, अभी भी गई नहीं है, इसे कहते हैं कहीं ना कहीं अभी भी स्लेवरी है। तो ये था दूसरा पॉइंट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का। और अच्छा लगा हो आपको अभी तक के दोनों पॉइंट्स, तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे, दूसरों को शेयर कीजिए ना। केजरीवाल जी बोलिए ना शेयर करने को। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे, मतलब गुस्से में नहीं करना था यार, भाग जाएंगे। पॉइंट 3 है कि कहीं ना कहीं हम इंडियंस को लगता है कि हम अमेरिकन जैसी चीजें इंडिया में क्यों नहीं बना रहे। जैसे कि कुछ बच्चों को मैंने देखा था, वो बोल रहे थे यार इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया में देखो डिज्नीलैंड नहीं है, क्या फायदा, हम तो इंजॉय नहीं कर सकते, इंडिया में कुछ नहीं है। यस, ये बात सत्य है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया में नहीं है, बट मुझे पूरा भरोसा है समय के साथ साथ हमारा देश डेवलप्ड कंट्री बनेगा और सारी चीजें होंगी, शायद इससे ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें इंडिया में फ्यूचर में हो। बट इंडिया में ऑलरेडी जो है, क्या हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं? यस, हमारे पास डिज्नीलैंड नहीं है, बट हमारे पास स्पिरिचुअल लैंड्स तो है ना, हम उसकी भी कदर कहाँ कर रहे हैं। सत्य है कि डिज्नीलैंड में भी लोग एंजॉय करते हैं, जो चीज हम एनिमेशन कार्टून में देखते थे वो सारी चीज आपके साथ हो जाती है, आप उनके साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत मजा आता है, मतलब यस खुशी मिलती है वहां पे जाके, इसलिए लोग वहां जा रहे हैं। बट इंडिया में भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं, स्पिरिचुअल सिटीज में घूमते हैं, हरिद्वार, केदारनाथ, वृंदावन, अयोध्या, वहां पे कितना कुछ जानने को मिलता है, वो लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर पाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ट्रू हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो वो भी दुनिया के एक डिफरेंट डायमेंशन को देख पाते हैं, डिफरेंट विजन से देख पाते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। बट प्रॉब्लम यहाँ है कि जब हम इंडियंस इन सिटीज में जाते हैं तो हम उल्टा ही करते हैं, हम इनकी कोई कदर नहीं करते, हम यहाँ पे जाके स्पिरिचुअल ब्लिस को एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहते, हम वहां पे भी जाके गंगा नदी में बियर पीते। एक वीडियो वायरल हुई थी, आप देखिए। पतित पावनी माँ गंगा अब सिर्फ लोगों के पाप धोने के लिए नहीं, बल्कि बाहर से आए लोगों की मौज मस्ती का अड्डा बन गई है। यहाँ हर की पैड़ी पर बाहरी राज्यों से घूमने आए पर्यटक खुलेआम बियर पीते दिखाई दिए, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये है इंडियंस के साथ प्रॉब्लम, उनके पास जो चीज है वो उसकी कदर ही नहीं करता, उसको और गंदा करने में लगा पड़ा है। हमारे पास जब स्पिरिचुअल सिटीज हैं, पूरी दुनिया से लोग इधर आते हैं, तो क्यों ना हम इसकी कदर करें, कितनी इनको क्लीन करें, नदियों को क्लीन करें, ये अपने आप में बहुत बड़ा टूरिस्ट हब भी बन सकता है, लोगों को रोजगार भी कितना मिलेगा। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो मतलब जो हमारा है उसकी कदर नहीं है, उसको खराब करने में लगे पड़े और रो रहे हैं कि यार उन जैसा क्यों नहीं है। तो किसी ने बहुत खूब कहा है कि जो चीज तेरे पास है अगर तू उसकी कदर नहीं कर रहा ना, तो कोई तेरी कदर नहीं करेगा, और ये सच है। बॉलीवुड इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मैं बॉलीवुड के बारे में बोलना नहीं चाह रहा था, बट क्या करें, जहाँ पे कोई बुराई हो और वहाँ पे बॉलीवुड की बात ना हो, ऐसा हो थोड़ी सकता है। अब देखो, अपने कल्चर से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें नहीं बना पाते, हर चीज़ कॉपी करने में लगे पड़े, फिर हो क्या रहा है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, बाइकॉट हो रहा है, आप भी करिए हम भी कर रहे हैं। जाते जाते भगवद गीता से एक श्लोक आपको बताऊँगा। भगवान कृष्णा ने भगवद गीता के 18वें चैप्टर के 47 वर्स में इस बात को कहा है, वो कहते हैं कि जो तुम्हारा धर्म है आप उसको अच्छे से पालन करो, गलतियां होंगी दैट्स ओके, आप उसको पालन करो, बजाय किसी दूसरे व्यक्ति का धर्म पालन करो अच्छे से। इसलिए हमें अपने धर्म को अच्छे से पालन करना चाहिए, हो सकता है कुछ गलतियां होंगी बट हमें आगे बढ़ना चाहिए। और सही बात है, जो हमारे इंडिया का यूनिक सेलिंग पॉइंट है, अब हम उस पर फोकस करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं दुनिया में, बट समहाउ ऐसा नहीं कर रहे। इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी है हेडस्पेस और काम, ये दोनों बहुत बड़ी कंपनी है, बिलियन डॉलर की कंपनी है। ये पता है क्या कराती है? ये मेडिटेशन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कराती है। इसमें बहुत सारे इंडियंस रजिस्टर करते हैं, हजारों रुपए का हर महीने चार्ज भी देते हैं, बट ये वो सारी चीज़ें करा रही है जो इंडिया का बाय प्रोडक्ट है, हमारे इंडिया का कल्चर में ही मेडिटेशन माइंडफुलनेस है, बट जो अपना है उसकी कदर नहीं किया। अब बाहर के लोग हमारी चीज़ों को लेके जाते हैं, फिर हम वहाँ जाते हैं वही प्रैक्टिस करना। वीडियो पसंद आई है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमें प्लीज़ फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, बिकॉज आपका डोनेशन हमें मदद करता है, इंस्पायर करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। चैनल को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, वरना मैं राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों से बोल दूंगा कि आपसे बात करें आके।
और इस तरीके से वैदिक इंडिक टी शर्ट आप भी पहनना चाहते हैं या किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट VR Misfit पर जाइए, इस तरीके के इंटरेस्टिंग टी शर्ट को खरीदिए और दूसरे को गिफ्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।